Hello everyone welcome to my channel my name is Aparna and in today's video we are going to uh, continue with our chapter so now today we will start industrial manufacture of ethanol so let's start industrial manufacture of ethanol ethyl alcohol is done using fermentation method in this process sugar is first separated from cane sugar juice by crystallization the thick yellow syrup substance left behind is called molasses molasses are diluted by adding water to obtain a 8 to 10 percent solution then ammonium sulfate which promotes yeast production is added to the solution a small amount of sulfuric acid is also added to the solution sulfuric acid also promotes the growth of yeast and kills other microorganisms Deekhi, kya ho इथाइल अल्कोहल जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होता है जहाँ से आपका इथाइल अल्कोहल जो बनता है इंडस्ट्रीज में जो बनता है वो किस तरीके से बनता है यहाँ पर ये यह आपको बताया गया है तो इथेनॉल बनाने के लिए या फिर इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन मेथड जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है ठीक है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मेथड यूज होता है इसमें क्या करते हैं जो शुगर केन रहता है उसका जो जूस है उसको सेपरेट कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ठीक है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से शुगर के इनका जूस को सेपरेट कर लेते हैं शुगर निकाल लेते हैं उसमें से एक थिक और येलो सिरपी सब्सटेंस जो हम लोगों को मिलता है उसको मोलिसिस के नाम से मोलिस कहा जाता है अब ये जो मोलिस है उसको उसमें पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर देते हैं पतला कर देते हैं ठीक है करीब एट टू टेन परसेंट जो सॉल्यूशन है उसको ऑप्टेन करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में उसमें अमोनियम सल्फेट डाला जाता है ठीक है क्या डाला जाता है आपका अमोनियम सल्फेट डाला जाता है जो कि ईस्ट प्रोडक्शन करता है सॉल्यूशन में जो आपका मॉलिस का जो सॉल्यूशन है जो वाटर डालने के बाद में जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा है उसमें अमोनियम सल्फेट डाला जाता है जो कि ईस्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इसके बाद उसमें थोड़े अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है ठीक है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है वो भी ईस्ट के प्रोडक्शन को वो ग्रोथ करता है और साथ में जो बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रोक देता है ठीक है देखिए यहाँ पर मोलिस है मोलिस हम लोगों ने जो जूस निकाला शुगर केन से वो यहाँ पर डाला मोलिस फिर यहाँ पर वाटर डाला ठीक है वाटर डालने के बाद में यहाँ पर मैं आपका आ, अमोनियम अमोनियम सल्फेट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डाला गया ठीक है फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर ठीक है और साथ में ईस्ट जो है वो भी यहाँ पर

अब यहाँ पर से आपका मोलिस और वाटर जो है वो यहाँ पर फर्मेंटेशन चेम्बर में आ गया फर्मेंटेशन में यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है अब इसके बाद में यहाँ पर ईस्ट जो है यहाँ पर से ईस्ट डाला गया है इसमें पाँच परसेंट ईस्ट टैंक पे डाला गया है और उसके बाद में फिर दो से तीन दिन के लिए इसको छोड़ दिया गया है एयर के एबसेंस में जब इस चेंबर में एयर नहीं रहेगा तो एयर के एब्सेंस में ट्वेंटी फाइव से थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड में ईस्ट जो है वो क्या होता है डेवलप होता है बहुत ज्यादा अब ईस्ट जो है क्या है वो ईस्ट एक टाइप का फंगस है जिसमें एनजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इन्वर्टेस और जाइमेस अब ये जो इन्वर्टेस और जाइमेस रहते हैं वो जो इन्वर्टेस है वो वो जो मोलिस है उसको शुगर ग्लूकोस में और फ्रक्टोस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है विथ प्रेजेंस ऑफ जाइमेस ठीक है जाइमेस के प्रेजेंट में अब यहां से इथेनॉल क्या हो रहा है ऑप्टेंड हो रहा है ठीक है ये जो फर्मेंटेशन हुआ ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का तो वहां से हमको इथेनॉल जो है वो मिल गया ठीक है इथेनॉल यहाँ से हमको मिल गया अब इस प्रोसेस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या हो रही है रिलीज हो रही है जो कि ऊपर वाले ट्यूब आउटलेट ट्यूब से निकल जा रही है ठीक है अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ठीक है तो आपका ये क्या आपका है आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है देखिए क्या हो रहा है इथेनॉल जब इसमें ईस्ट डाला गया है ठीक है ईस्ट डाला गया है तो ईस्ट में आपका इन्वर्टेस प्रेजेंट है तो इन्वर्टेस क्या कर रहा है मोलिस में से ग्लूकोस और फ्रक्टोस को ग्लूकोस और फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर रहा है तो ये आपका क्या है मोलसिस वाटर ठीक है यहाँ पर से हो गया अभी आपका क्या हो गया ग्लूकोस और फ्रक्टोस में कन्वर्ट हो गया इन्वर्टेस के प्रेजेंस में ग्लूकोस और फ्रक्टोस में अब यहाँ से जो ग्लूकोस है या फ्रक्टोस है वो यहाँ पर क्या हुआ उसको वो जायमेस के प्रेजेंट में अल्कोहल बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज कर रहा है ठीक है फिर से ग्लूकोज फ्रक्टोज के प्रेजेंट में इथेनॉल बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं अब देखिए क्या हुआ है बायो कैटलिस्ट कैटलिस्ट आर केमिकल रिएक्शन बट द रिएक्शन जिकल प्रोसेस एंड रियक्शन बायो कैटलिस्ट देखिए अब यहाँ पर एनजाइम्स या बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं तो एनजाइम्स या बायो कैटलिस्ट जो है वो ऐसे मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेते हैं ठीक है केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर पार्ट नहीं लेंगे लेकिन उनके होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है बढ़ जाता है या कम हो जाता है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो यहाँ पर इसी को एंजाइम्स या फिर बायोकेटलिस्ट कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर जो है एल्कोहल हम लोगों को मिल गया अब इसको हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीके से एल्कोहल बनाने के लिए उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में भेज दिया जाता है द एल्कोहल ऑप्टेंड बाई दिस मेथड इज क्वाइट डायल्यूट हंड्रेड परसेंट एल्कोहल डॉट हैल्कोहॉल इथेनॉल हैज़ इथेनॉच हैज़ फाइव परसेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉज कॉल्ड पावर एल्कोहल एंड इट इज़ यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स ठीक है देखिए इसके बाद में जो हम लोगों को ग्लूकोज यहाँ जो हम लोग को यहाँ पर से एल्कोहल मिल रहा है वो यहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम में चला जाता है जबकि यहाँ पर उसके बाद में डिस्टिल्ड होता है फिर यहाँ पर से एल्कोहल और स्टीम हमको मिलता है जो कि यहाँ पर से जो हमको मिलता है वह आपका नाइन्टी परसेंट एल्कोहल ऑप्टेन होता है ठीक है अब हमारा अब हमको जो मिलता है वो क्या रहता है जो अल्कोहल हमको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में रहता है तो उसको वहाँ पर फर्दर जो है वो नीड के हिसाब से उसको आ, फर्दर डिस्टिल किया जाता है या फिर आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किए जाते हैं अब देखिए हंड्रेड परसेंट एल्कोहल जो है हंड्रेड परसेंट एल्कोहल में हंड्रेड परसेंट एल्कोहल अगर बोला जाएगा तो उसमें कोई भी आ, वाटर कंटेंट जो है वो नहीं रहता उससे क्या कहा जाता है एप्सोलूट एल्कोहल मतलब हंड्रेड परसेंट एल्कोहल है मतलब उसको एब्सोलूट एल्कोहल कहा जाता है वहीं पर इथेनॉल जो कि आपका यहाँ पर इथाइल एल्कोहल है या इथेनॉल है उसमें करीब पाँच परसेंट वाटर रहता है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं अब इसके बाद में जो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और इथेनॉल जो रहता है उसको पावर एल्कोहल भी कहा जाता है ये जो है वो ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तरीके से यूज होता है ठीक है नेक्स्ट क्लास पे हम देख देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल थैंक यू